हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गुरु। आज के वीडियो में हम एक कबर्ड की, एक वार्डरोब की डिजाइन करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि कोई ड्रॉवर या कोई वार्डरोब की डिजाइन करे, कोई फर्नीचर लेआउट का डिजाइन करे। तो आज एक फर्नीचर लेआउट के डिजाइन में आज हम एक वार्डरोब की डिजाइन करने वाले हैं। उसमें हम एलिवेशन और सेक्शन देखेंगे कि बाहर से एलिवेशन हमके वार्डरोब पर कैसा दिखना चाहिए और उसका सेक्शन कैसा दिखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऑटोकैड का इंटरफेस आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको पहले यूनिट सेट करने पड़ेंगे। UN कमांड लगे एंटर करेंगे। तो यूनिट के लिए आपको यहाँ से इंजीनियरिंग कर देना है और यहाँ पे 0.00 इंचेस कर देना है और यहाँ पे इंचेस रहने देना है, ओके कर देना है। फिर डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर, क्योंकि जो डायमेंशन दिखाने हैं वो भी हमें जैसे हमारे मेन यूनिट हो गए वही से हो गए तो ही हमारे सही डायमेंशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। यहाँ पे इंजीनियरिंग सिलेक्ट करके 0.00 इंचीज वहाँ पे जो किया था वही करना है। और यहाँ पे टैक्स, आपको यहाँ पे टैक्स हाइट जो है वो 6 इंचीज कर देनी है और यहाँ पे ओके कर देना है और सेट करंट करके क्लोज कर देना है। अब आज हम देखने वाले हैं एक वॉल पे हम वार्डरोब कैसे, वार्डरोब की डिटेलिंग कैसे करते हैं, वार्डरोब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो पहले मान लीजिए अपना जो वॉल है, वॉल एल कमांड लेते हैं, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। एल ए एंटर करेंगे तो लेयर की प्रॉपर्टी खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ से आप क्रिएट लेयर बना के लेयर वन है वहाँ हम लग लेते हैं वॉल। और यहाँ पे वॉल के लिए हम ये अभी ये कलर, कोई कलर चूज कर लो आप अपनी तरफ से और यहाँ पे करंट लेयर करके इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद एल लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। यहां से हम 10 फीट की दीवार मान के चलते हैं, क्योंकि अभी जो जो बेडरूम की साइज होती है। ये जो नेविगेशन टूल बार है, जो वाई एक्स जो है वो आपको ऐसे कहीं पर हो जाए तो इसके लिए कमांड है UCS आइकॉन करके एंटर करो और नूरीजिन पर आप सिलेक्ट कर दोगे तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा। अब एल एंटर करके यहां से पॉइंट लेके 10 फीट एंटर, लाइन देख लेते हैं यूनिट हमारे सेट हुए कि नहीं हुए। यूनिट सेट है तो यहां से फिर से एल एंटर 10 फीट, फिर यहां पे 10 फीट। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, सीधा 10 फीट का रेक्टेंगल भी आप तैयार कर सकते हो। तो ये हमारी एक वॉल है समझो। तो इस वॉल पे अभी हमें डिजाइन करनी है। तो समझो कि ये कोने से हमारा जो डोर है वो डोर आ रहा है, तो डोर के लिए हम फिर से एक लाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से हमारा डोर जो है ऑफसेट है, 3 फीट का डोर है अपना बेडरूम का। यहाँ पे डोर आ गया और ऊपर से ऑफसेट 3 फीट। TR करके ये लाइन सिलेक्ट करके ये क्लिक कर दो और फिर से TR लेके लाइन करके। अब जो ये लाइन हमको मिली है, डोर मिला है और लिंटर लेवल जो हाइट है वो हमारी 7 फीट है, तो हमने ऊपर से 3 फीट ऑफसेट लिया। ये देख लो आप, 7 फीट का हमारा डोर आ गया। तो यहाँ से हमें ये जगह मिलती है जहाँ पे हमें वार्डरोब सेट करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से ऑफसेट करके 6 इंच की, 6 इंच की, क्योंकि दरवाजे के बाजू में 6 इंच की जगह हम रखते हैं अपना स्विच बोर्ड के लिए। यहाँ हम जो जगह देंगे 6 इंच वो स्विच बोर्ड के लिए, फिर अपना वार्डरोब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन ले ली हमने, 6 इंच अपना गैपिंग रखा। और इसके बाद वॉल का लेयर है तो एक आप और लेयर क्रिएट कर सकते हो, एल ए करके एन एंटर करो
फिर न्यू लेयर पे सिलेक्ट करके उसको फर्नीचर ऐसा नाम दे सकते हो, नाम अपनी तरफ से जो भी आपको ठीक लगे वो आप नेम दे सकते हो। इसको हम लाइन हम देंगे वो हम ब्लैक में रखेंगे क्योंकि अच्छी दिखाई देगी ब्लैक आपको। और यहाँ से लाइन वेट जो है आप वो बढ़ा लो, 0.35 कर लो, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट निकालो तो आपको सही तरह से वो लाइन दिखे। ओके, तो अब ये लाइन करंट करके इसको क्लोज कर दो। डबल क्लिक करने से करंट लेयर हो जाएगा, बाहर से भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लाइन करने के बाद ये लाइन सिलेक्ट करो, ये लाइन वॉल में थी तो इसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो लिंटल लेवल है वो ही लाइन हम इंटीरियर पर्पज से यहाँ से सीधे जान देते हैं। एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, तो ये हमारी बाउंड्री बन गई। अब यहाँ से हमें नीचे जो है ऑफसेट करके एंटर कर 3 इंच का हम नीचे ऑफसेट देंगे। ऑफसेट ये अपना हो गया बेस, नीचे बेस हमको तैयार करना पड़ेगा, वो बेस हो गया। लेकिन ये लाइन से बेस थोड़ा होगा वो जो अंदर होगा, तो ऑफसेट यहाँ से भी 3 इंच एंटर इस प्रकार से तैयार कर दो। ये लाइन सिलेक्ट करके ये लाइन निकाल दो और ये लाइन भी निकाल दो, तो ये अपना बेस जैसे हो गया। ऐसा ही बेस सामने आएगा तो आप ये लाइन को सिलेक्ट करके MI मिरर कमांड लिया और यहाँ से सेंटर से इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले वाला तो निकालना है नहीं हमें रखना है, तो ये कर दिया, ये अपना बेस तैयार हो गया नीचे वाला। अब बेस के ऊपर से हम ड्रॉअर की शुरुआत करेंगे। ड्रॉअर की स्टार्टिंग करने के समय आपको ये बात देखनी है कि आपका जो प्लाई अवेलेबल है मार्केट में वो कितने MM का मिलता है। तो 6 MM है, 12 MM है और 18 MM है। तो कोई भी सेल्फ आप बनाने जाओगे तो सेल्फ आपको अगर प्लाई में जो बनाना है तो अगर 12 MM में बनेगा, 18 MM बनेगा, 25 MM में भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे अगर डबल थिकनेस रखनी है तो 2 प्लाई आप इकट्ठा कर सकते हो तो 36 MM बनता है। तो अब 36 MM में इंचिस में हम अगर कन्वर्ट करना है तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसमें से आप लेंथ सिलेक्ट कर दो और यहां से हमें चाहिए इंचिस में, चाहिए इंचिस में चाहिए, और यहां हमें रखना, यहां सॉरी यहां हम MM में चाहिए क्योंकि हमारा जो प्लाई मिलेगा वो MM में मिलेगा, मिलीमीटर्स। तो यहां पे MM रखेंगे और यहां पे इंचिस रख देंगे। इंचिस यानी यहां पे जो प्लाई मिलने वाला है हमें, एक तो 6 इंच का मिलेगा, अगर 6 इंच का मिलेगा तो हमें 0.236 इंचिस रखना है। अगर यहाँ पे 12 इंचिस मिलेगा तो 0.47 इंचिस का हमें चाहिए माप, इंचिस में अगर ड्रॉ करना है तो। और अगर यहाँ पे 18 इंचिस है तो आपको 0.0708 का हमें माप चाहिए। तो जो भी हमें माप अभी चाहिए तो वो हम यहां से कैल्सी में देख के अब उसको यूज कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे हमें पहले एक बॉर्डर तैयार करनी है, जो हमारी वार्डरोब की मेन बॉर्डर आएगी वो हम 36 MM की बनाएंगे। तो इसके लिए, क्योंकि 2 प्लाई इकट्ठा करके हम बनाएंगे तो 36 MM हमारा हो जाएगा। तो यहां से आप अगर 36 MM लेते हो तो आपको जाएगा 1.417 यानी 1.42 इंचिस का हमें इंचिस में माप मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका ऑफसेट 1.42, फिर से देख बता देता हूँ आपको, 36 जो MM होता था वो 1.41 यानी 1.5 डेढ़ इंच के बराबर होता है। तो हम एग्जैक्ट अभी 1.42 इंचिस का ऑफसेट यहाँ पे लेते हैं। ये ऑफसेट 1.42 इंचिस, एंटर। तो ये हमारा ऑफसेट मिल गया और सभी जगह हम वही बॉर्डर लेंगे। तो फिर से ऑफसेट ऑफसेट लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड लिया, एंटर किया, इंचिस हमारा सेट है, एंटर किया और इस तरफ बॉर्डर आएगी, इस तरफ बॉर्डर आएगी और
इस तरफ बॉर्डर आएगी। अब यहाँ से ये इंटरनल पार्ट बन रहा है, अगर तो शटर आएंगे, वो भी शटर हम देखेंगे, लेकिन अभी हम उसका, चलो पहले उसका हम एलिवेशन तैयार करते हैं, फिर सेक्शन बाद में देखते हैं। तो चलो, तो ये अपनी बॉर्डर हो गई टीआर एंटर। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो हम यहां से निकाल देंगे, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ट्रिम आउट कर लेते हैं। टीआर डबल एंटर से ट्रिम कमांड आप कर सकते हो। तो ये हमारा वार्डरोब का बॉर्डर तैयार हो गया। अभी बॉर्डर तैयार करने के बाद अगर आप शटर की बात करो तो अभी कितना हमें इन टू इन गाला मिल रहा है वो देख लेते हैं। इसमें दो टाइप के शटर हो सकते हैं आपके, आप स्लाइडिंग भी कर सकते हो, 6 फीट 3.16 इंचेस मिल रहा है। आप एक तो स्लाइडिंग डोर भी कर सकते हो इसमें, और एक जो कर सकते हो वो ओपनेबल भी रख सकते हो। तो अगर जगह छोटी है और ओपनेबल जगह में आपको रूम छोटा होता है, अगर 10 फीट की दीवार ली है तो समझ लो कि 10 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर इजी रहेगा। तो अगर स्लाइडिंग डोर आप लेते हो तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन आएगी आपकी, सेंटर लाइन आएगी यहां से, यहाँ के दो पार्ट में आपका स्लाइडिंग जो है बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या, एग्जैक्ट सेंटर लाइन पे अपना जो स्लाइडिंग शटर है वो बंद नहीं होगा, वहां से हमें कुछ ऑफसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर लाइन पे है वो ही जगह पे हम दोनों शटर रखेंगे तो वो एग्जैक्ट बरोबर हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच का ऑफसेट रखेंगे। तो यहां से ऑफसेट 1 इंच इस तरफ, यानी जो ये लाइन आएगी वो हम डॉटेड बता देंगे उसको। डॉटेड क्यों, क्योंकि जो अंदर का शटर आएगा वो थोड़ा 1 इंच अंदर रहेगा और बाहर का शटर ओवरलैप होगा। जैसे हम अपने वॉल सीलिंग वाले ड्राइंग में क्या करते थे कि जो लाइन हमें दिखती नहीं है वो लाइन हम हिडन कर देते, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जो लाइन हमें नहीं दिखती है वो लाइन हम हिडन कर देते हैं। तो जो अंदर का शटर की जो लाइन आएगी वो हम यहाँ से हिडन लाइन से बताएंगे। तो यहाँ पे आप जाके लाइन टाइप में जाके इसको आप बदल सकते हो। अभी लेयर में, फर्नीचर में लेयर में ये लाइन टाइप हमारी सीधी है, अगर इसको आपको बदलना है तो यहाँ से जाके आप उसकी प्रॉपर्टी से इसको बदल सकते हो। तो इस पे हमने अभी डॉटेड लाइन बता दी है, तो इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन बता सकते हो। तो जो भी आपका कारपेंटर है वो समझ जाएगा कि वो इनसाइड जो शटर है वो हमें 1 इंच के ऑफसेट से रखना है। तो ये हमारे दो शटर हो गए। यहाँ पे जो लैमिनेट हमें यूज करना है उसके लिए आप हैशिंग का उपयोग करके लैमिनेट बता सकते हो। अगर आपको कुछ ग्रू बताने, समझो कि मेरे ये दो ड्रॉ है और दो ड्रॉ में मुझे यहाँ ऊपर और नीचे सेम लैमिनेट रखना है और बीच में पट्टा जो रखना है वो अलग लैमिनेट रखना है। अगर विनियर यूज करना है या लैमिनेट करना है या MDF यूज करना है तो हम कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप L कमांड लोगे और यहाँ से एक बीच वाली लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ से यहाँ खींच लोगे, ये लाइन हो गई अपनी। और यहाँ से ऑफसेट करेंगे हम 1 फीट ऊपर और यहाँ से 1 फीट नीचे, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम 6 इंच का ही लेते हैं क्योंकि बीच में मुझे 1 इंच का ही पट्टा चाहिए। तो यहाँ से ये लाइन को सिलेक्ट करो, ऑफसेट करो, ऊपर 6 इंचेस करो, एंटर, ये ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन। अब मिड लाइन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मिड लाइन हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारे जो दो लाइन आएगी, तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये ऊपर का और नीचे का एक पट्टा, ये जो बॉक्स बना और नीचे का बॉक्स जो बनेगा वो सेम लैमिनेट आएगा, और बीच में हम कुछ उसमें हैचिंग करके उसको अलग बता सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग पैटर्न हम यूज करते हैं, कुछ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं वो हैचिंग की मदद से देख लेते हैं। हैच के लिए एच कमांड लिया और यहाँ से हैचिंग की प्रॉपर्टी आपकी खुल जाएगी। इसमें से आपको जो पैटर्न अच्छी लगे दिखाने के लिए वो आप दिखा सकते हो। मुझे अभी प्लान चाहिए, मुझे सॉलिड चाहिए प्लान, लेकिन उसमें कलर जो है मुझे अलग से यूज करना है। तो मैं ऐसे कुछ कलर लेके तो आप समझ लो कि ये जो ट्रांसपेरेंसी हमने सेट करके यहाँ पे जो हमें सेम कलर पे चाहिए ऐसे सेम कलर बता सकता है। तो 4 जो ऊपर का जो आई लाइन वो सेम कलर में आएगी और बीच वाला हाईलाइटर अगर अलग लेना है हमें,
तो वो आप इस तरह से अलग ले सकते हो। और यहाँ पे जो हैचिंग करना है फिर से हैच टाइप करके आप निकाल दो, और यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न पसंद कर सकते हो, ऐसे कुछ ग्रेडियंट में भी आप बता सकते हो अगर कुछ हाइलाइटर यूज करना है आपको, तो इस तरह से आप हाइलाइटर बता सकते हो कि भाई हमें ये दो जो प्लाय है वो अलग यूज करनी है, ये शटर की बात हो रही है अभी, तो ये दो प्लाय जो है वो सेम लेनी है ऊपर नीचे, और बीच में हाइलाइटर यूज करना है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। नीचे का शटर की बात आ गई, अब ऊपर के जो शटर आप करना है यहाँ पे ऊपर भी हम उसका यूज कर सकते हो शटर के ड्रॉअर बना के, तो ऊपर भी स्टोरेज आप कर सकते हो। तो ऊपर की जगह में आप स्टोरेज किस प्रकार से करोगे वो देख लेते हैं। एक यहां से जो बॉर्डर आएगी यहां से, तो यहां से एक फिर से हम 36 यानी 1.41 इंची हमें लेना है, यहां से लाइन सिलेक्ट की, ऑफसेट लिया और 1.42 इंचीस यानी 36 इंचीस एमएम यहां से ऑफसेट लिया, और ये लाइन हम एक्सटेंड कर लेंगे ई एक्स एंटर ये लाइन सिलेक्ट यहां तक एक्सटेंड करनी है और ये लाइन करनी है, तो ये बॉर्डर बन गई। और यहां से एक लाइन नीचे भी ये हमें एक्सटेंड कर देनी है, तो ई एक्स फिर से ये लाइन, तो ये बॉर्डर बन गई हमारी। और यहां पे भी जो नीचे जैसे बॉर्डर बनी है वहां पे ऊपर भी बॉर्डर आएगी, तो यहां से एल एंटर, यहां से एक लाइन ऊपर गई, एक लाइन यहां पे गई और एक लाइन यहां पे आई। अब सभी जगह हमें ऑफसेट बॉर्डर होगी इसकी, एंटर यहां पे और यहां से यहां तक, फिलेट कमांड से आप इसको इस तरह से बॉक्स में आप कर सकते हो। और ये जो लाइन है फिर से आप यहां से ये आपका अपना ऊपर का बॉक्स रेडी हो गया, बॉर्डर रेडी हो गई। अब हमें ड्रॉअर किस प्रकार से सेट करने वो देख लेते हैं। अब आप इंटीरियर पर्पस से देखो तो जो नीचे की लाइन जा रही है वही लाइन ऊपर अगर मैच होती है तो आपका जो भी है डायमेंशन है या तो जो भी आपका व्यू है वो अच्छा दिखेगा। तो आप सोच लो यहाँ पे जो शटर आया, शटर की लाइन से हम अगर ऊपर जाने देंगे तो वो लाइन कंटिन्यू करेंगे तो ही हमें इंटीरियर पर्पस से वो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से मैं लाइन एक्सटेंड करवा लेता हूँ, तो एक लाइन हमारी ये हो गई, और यहाँ पे एक लाइन जो हमें मिलती है वो ये लाइन मिलती है, तो यहां से हम एक लाइन ले लेते हैं ये लाइन, तो हम सब जो कि ऊपर आपके तीन ड्रॉवर बन जाएंगे। और ये जो ड्रॉवर है वो आपको किस कलर में लेना है, तो ये बीच वाले जो हैचिंग वाले पार्ट है वो ही आपको अगर यहाँ पे यूज करना है तो इसके लिए फिर से हैचिंग कमांड लेके आप इस प्रकार से जो पहले हैच दिया था वो हैच आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से हैचिंग लिया था, समझ जाओ कि ये जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला जो लेमिनेट जो यूज करने वाले हैं वही लेमिनेट यहाँ पे यूज होगा। ये लाइन हमें नहीं दिख रही तो उसको हम ऊपर ला सकते हैं ड्रॉ ऑर्डर उसका बेयरिंग टू फ्रंट करके। बस ये लाइन आपको ऊपर दिखेंगी जैसे बेयरिंग टू फ्रंट कर दिया, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर के ड्रॉवर थे वो भी हमने बता दिया। अब ड्रॉवर के ऊपर जो हैंडल आएंगे, अगर आपको हैंडल बताने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है
जो हैंडल ये बीच वाले पोर्शन में आएगा वो उसकी प्रॉपर हाइट है, यहाँ से नीचे से 39 से 40 इंच तक आप नीचे ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे हम बीच में अगर इसका हैंडल लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, REC एंटर, और एक काम करो आप एक रेक्टेंगल बाहर बना दो और उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करा लेंगे। तो हैंडल की साइज के मुताबिक ये हो सकता है, तो समझो कि अपना हैंडल की जो साइज है वो हम लेते हैं, डायमेंशन लिया तो अपना हैंडल जो है वो 1.5 इंच और उसका हाइट जो है 10 इंचेस आएगा। तो इस प्रकार से हमारा हैंडल की साइज होगी। और इसमें ऑफसेट जो है 0.25 इंचेस का ऑफसेट इस प्रकार से ऑफसेट, क्योंकि ये कंसील हैंडल आएगा। स्लाइडिंग डोर अगर होगा तो आपका कंसील्ड हैंडल आएगा। और इसमें आप हैचिंग बता सकते हो, जैसे कि एच एंटर, इसमें कोई ऐसे पैटर्न बता सकते हो। अभी ये हैंडल को हमें यहाँ पे और ये शटर पे देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कहाँ पे लगाना है वो पॉइंट फिक्स कर लेंगे। तो अपना हैंडल समझ लो कि ये जो डोर शटर आ रहा है उससे हम ये शटर की लाइन से हम यहाँ से हमें उसको 1 इंच के बाद लगाना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का ऑफसेट करवा लेंगे। लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट किया, एंटर, 1 इंच एंटर, यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसको पहले ड्रॉ ऑर्डर में ऊपर ला दो, ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये लाइन ऊपर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे उसको सेंटर में आपको लाइन चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, एक लाइन एल कमांड से सेंटर में एक लाइन तैयार कर दो, एक लाइन यहाँ पे आपको मिल गई। अब जो हैंडल चाहिए आपको यहां से भी मुझे 1 इंच का ऑफसेट चाहिए। अभी हैंडल को पूरा सिलेक्ट करके CO कॉपी कर लो और यहां से मिड पॉइंट पकड़ के यहाँ पे जो दो लाइन का मिड पॉइंट हमने बनाया है वहां पे आप रख दो। एक हैंडल हमारा हो गया, फिर से ये हैंडल को सिलेक्ट करो और CO एंटर, यहाँ पे इस बाजू से आप एंटर पकड़ के इसको यहाँ पे आप इस प्रकार से रख दो। दो हैंडल हमारे आ गए। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए, जो खाली हमने इमेजिन लाइन लिया था, वो 3 लाइन को सिलेक्ट करके आप इरेज कर सकते हो। तो इस तरह प्रकार से आप हैंडल बता सकते हो। अब पता चलता है कि यहाँ ये हैंडल है और इस बाजू हैंडल है। अब जो ऊपर के ड्रॉवर है, ओपनेबल ड्रॉवर आपने बनाए हैं, तो उसमें आपको अगर हैंडल दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। इसको आप कर दो रोटेट एंटर, यहां से आप पूरा रोटेट कर दो। अब जहां पे सेंटर पे उसको चाहिए तो एक लाइन यहां से ऑफसेट, यहां से भी आप ऊपर इसको 1.5 इंच हम रखते हैं, यहां पे 1.5 इंच का कर दिया। अब पूरा जो भी सेंटर, हर ड्रॉअर का जहाँ सेंटर हो मिलता है वहाँ पे हम उसको रख देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ड्रॉअर की साइज हमें यहाँ पर मिले हैं, ये साइज है 3.258 इंचेस, एक काम ये भी कर सकते हो, ये लाइन है उसको आप TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट करो, TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट करो, एंटर करो, ये लाइन निकाल दो। अभी एक लाइन बची है तो उसका सेंटर आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी इसको सिलेक्ट करो, कॉपी कमांड ले लो और यहाँ से मिड पॉइंट नीचे से पकड़ के यहाँ पे जो मिड पॉइंट आपको मिलेगा
वहाँ पे रख दो। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ये लाइन है, मूव करा लो इसको यहाँ से यहाँ तक। अब जो है यहाँ से फिर से हैंडल लिया, उसको कॉपी करवा लिया, एंटर किया और यहाँ से इसको पिक करके यहाँ पे आप रख लो। और यहाँ से ये लाइन अगर आपको आगे भी ज़रूरत है तो यहाँ से उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर ट्रिम कमांड लेते हैं, TR एंटर। यहाँ ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद आगे वाली लाइन अभी नहीं चाहिए, ये रेफरेंस लाइन है क्योंकि हमें सेंटर चाहिए इसका। तो यहाँ से इसको CO एंटर, यहाँ से बीच में से उसको आप इस तरह से उसको रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने ऊपर भी हैंडल यहाँ पे दे दिए हैं और ये बीच वाले भी हैंडल दे दिए हैं। तो अभी ये जो पार्ट, ये जो ड्राइंग है, ये हैंडल अभी मैं निकाल देता हूं। तो ये जो फर्नीचर का जो वार्डरोब है, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे जो डोर बताया उसके भी आप कुछ लेमिनेट बता सकते हो। तो यहाँ पे हैचिंग आप इस प्रकार से एच करके, अगर आपको ये पैटर्न कंटिन्यू जाने देनी है तो आप ये भी कर सकते हो, ये लाइन और ये लाइन जो है यहाँ से आपको आगे ले जानी है। फिर से TR एंटर करना है और यहाँ से एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये सिलेक्ट करनी, फिर एंटर करना है। ये निकल दिया और ये बीच वाली लाइन निकाल दिया। तो जो बीच का जो, अगर डोर का, डोर में जो लैमिनेट, इनर लैमिनेट आप लगाएंगे वो सेम ही लगाना है, आपको सेम ही दिखाना है। तो इसमें भी इस प्रकार से एचिंग आप बता सकते हो। यहाँ पे आप एच कमांड ले लो और यहाँ पे जो हैचिंग बताइए सेम अगर बताना है, सॉलिड एच यस। और यहाँ पे जो बीच में जो हमने अलग बताई थी ग्रेडियंट वाला, एच एंटर, ये और ये पहले ले लो, फिर एंटर कर दो, फिर से एंटर करो और यहाँ से सॉलिड है वो हमें ग्रेडियंट लेना है और बीच में ये बताना है। ये येलो हमने बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि येलो लैमिनेट आएगा। आप लैमिनेट का कोड बता सकते हो, कंपनी बता सकते हो और उसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब आप ये ड्राइंग आप वेंडर या जो कारपेंटर है उसको दोगे तो उसको पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सेम है, कहाँ कहाँ पे हाइलाइटर है और कहाँ कहाँ पे अलग यूज किया है। ये जो बेस है उसको भी आप हैचिंग करके अलग बता सकते हो। ये बॉर्डर है वो भी आप, जैसे मैं बता सकता हूँ ये बॉर्डर अलग दिखनी चाहिए। तो ये बॉर्डर जो है हम सॉलिड लेके उसका कलर हम चेंज करके ये बॉर्डर अलग बता सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री है जो मैच नहीं हो पा रही ऐसा बता रहा है इसमें, इसी वजह से हैचिंग नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर अलग कर सकते हो। यहाँ पे ये वार्डरोब की बॉर्डर हो गई और यहाँ पे ऊपर शटर की बॉर्डर अगर अलग करनी है तो वो भी दिखा सकते हो आप। इस प्रकार से आप अलग बता सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि ये बॉर्डर भी दिख गई है, वॉल में कुछ अलग टेक्सचर आ रहा है। ये वॉल का पार्ट है इतना, ये डोर से ये वॉल पे इतनी जगह है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे नीचे जो ये बेस बना है वो बेस पे आप अलग हैचिंग करके बता सकते हो कि ये बेस है। तो इसके लिए आप हैचिंग में कुछ अलग पैटर्न डाल सकते हो। तो पूरा हैचिंग का काम रहेगा ये, बेज हम कुछ इस प्रकार से अलग बता सकते हैं लाइट कलर में। और यहाँ पे वॉल जो है उसमें भी वाइट और कोई अलग कलर से हम उसको बता सकते हैं, जैसे कि
तो वॉल भी हमने अलग बता दी। देख देख लो आप ये कि एक वॉल जो है 10 फीट बाय 10 फीट की, उसमें हमने इस प्रकार से एलिवेशन बनाया। अब उसका सेक्शन कैसे तैयार होगा वो भी हम देख सकते हैं इसे, तो सेक्शन भी ला सकते थे जैसे कि ये कॉपी किया एक एक, ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक इस तरह से आप बना सकते हो। इस पूरे को आप कॉपी कर लो, फिर यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ले लो, ये ले लिया और यहाँ से उसको नीचे ला दिया, क्योंकि इससे क्या होगा वो माप सेम रहेगा और आपको खाली इंटरनल चेंजेस करने हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो डोर सेम रहेगा, इसमें आप हैचिंग निकाल दो, पहले ये हैचिंग निकाल दो, ये ऊपर का पट्टा है तो वो भी निकल जाएगा, ये हैंडल भी निकल जाएगी क्योंकि अंदर का पार्ट हमें दिखाना है, ये हैंडल भी निकल जाएंगे और यहाँ पे ये हैंडल भी निकल जाएगा। अब ये शटर आपको ऊपर से दिख रहे हैं, अगर अंदर का सेक्शन काटेंगे तो अंदर शटर वाला ये भी पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो पहले ये अंदर की लाइन निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम ये लाइन अभी रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब जो ड्रॉअर अंदर से आएगा वो दोनों में एक पार्ट में हम बनाएंगे, यहां से जो आएगा एल लेके हम यहां से ये अपनी लाइन आ गई। अब ये लाइन को हम निकाल देते हैं अभी, क्योंकि वो 1 इंच का ऑफसेट था, आपको पता होगा अभी मैंने बात की कि 1 इंच हम ओवरलैप रखेंगे। अब जो अंदर का पोर्शन आएगा उसका ये सेंटर लाइन आ गई, यहाँ ऑप्शन से हमें 18 mm का हमारा प्लाई आएगा, तो बीच का सपोर्ट हम 18 mm का रखते हैं, तो यहाँ से ऑफसेट करके जो 18 mm होता था वो कैल्सियम में देख लेते हैं फिर से, तो 18 mm यानी 0.70 inches यानी 0.708 है, तो 0.71 लेंगे हम, 71 inches, तो ऑफसेट अब ये दोनों पार्ट में हो जाएगा सेंटर से, तो इसकी वजह से हम लेंगे उसको 0.36 inches एंटर इस तरफ और इससे इस तरफ, ये बीच वाली लाइन हम अभी निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच वाला सपोर्ट आ गया अंदर का। अब हमें सेल्फ कितने करने हैं, हमें सेल्फ करने हैं, हमें 2 सेल्फ नीचे चाहिए, ऊपर 3 सेल्फ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे और नीचे हमें चाहिए पहला जो सेल्फ है 2 फीट पे चाहिए एंटर, यानी 2 फीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां से हमें चाहिए ऑफसेट 15 inches यानी 1 फीट 3 इंच का एक, और फिर यहाँ से ऑफसेट अपना आएगा 72.72 inches ये आएगा। अब फिर से ऑफसेट 15 इंच का ये आ गया, फिर ऑफसेट 0.72 inches एंटर, ये हमारा बीच वाला सेल्फ आ गया, और यहां से बीच वाला ड्रॉअर हमें लेना है वो 1 फीट लेना है ऑफसेट 1 फीट। पूरा ड्राइंग देखे, पूरे वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हम पूरे उसको ड्रॉअर में सेट करते हैं। यहां से 0.72 inches यानी 18 mm, जो भी प्लाई यूज कर रहे हैं वो 18 mm का सेल्फ हम यूज कर रहे हैं, ऑफसेट एंटर 0.72 inches एंटर इस प्रकार से बीच वाला पोर्शन आ गया। अब हमें ऊपर जो है 3 सेल्फ करने हैं, तो ये जो लाइन मिली हमें, एक लाइन अभी ड्रॉ कर लेते हैं,
2 फीट 10 इंचेस, यानी हमको मिल रहा है अभी 34 इंचेस, यानी 34 इंचेस के तीन पार्ट अगर हम करेंगे, 34 डिवाइड बाय 3, तो हमको 11.33 इंच का एक मिलेगा। तो वो पहले हम पार्ट कर देते हैं, ऑफसेट 11, 1, ऑफसेट 33 इंच, एंटर 2। तो ये तीन पार्ट तो हो गए, पर अभी हमें सेल्फ देने हैं, तो इसके लिए यहाँ से ऑफसेट 0.36 इंच इधर और इधर, इधर और इधर। अब जो बीच वाली लाइन है वो अभी हमें नहीं चाहिए, तो ये निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, रेफरेंस लाइन थी। तो अब हमारे सेल्फ कहाँ कहाँ पे हमें चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया। अब उसको सॉर्टिंग करते हैं ड्रॉवर और अलग अलग। तो यहाँ पे हमें चाहिए जो टीआर एंटर, ये बीच वाला लाइन है, अभी हमें ये बीच वाला है, उसमें हमें एल एंटर, यहाँ से बीच में एक सेल्फ करना है, जहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऑफसेट किया, वो हमारा 0.36 इंचेस एंटर इधर और इधर, यानी 18 mm का बीच में सपोर्ट आएगा। तो ये आ गया अपना। यहाँ पे हमें 2 ड्रॉवर चाहिए, तो ड्रॉवर के लिए हमें ये जो माप मिलता है उसमें 1 फीट था शायद, फिर से देख लेते हैं माप, 1 फीट था, तो इसमें 6 इंच के 2 शटर होंगे, इसमें ऑफसेट 1.6 इंचेस एंटर, ये सेंटर आ गया। यहाँ पे 2 ड्रॉवर बन जाएंगे हमारे, और यहाँ पे टीआर, यहाँ पे तो ड्रॉर बन जाएगा। ड्रॉर का लॉक और हैंडल अगर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉवर का हैंडल 4 इंचेस का आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से ऊपर की लाइन से ऑफसेट 1 इंचेस के बाद यहाँ पे हैंडल रखोगे, गियर सेंटर लाइन लेना है यहाँ से, यहाँ हमें चाहिए हैंडल। तो हैंडल का माप ही अगर जैसे ऊपर हमने बनाया वैसा एक हैंडल हम बना लेते हैं 4 इंचेस का, यहां से 4 इंचेस एंटर, यहां से 0.25 इंचेस एंटर, यहाँ से फिर से 4 इंचेस एंटर, और यहाँ से सी एंटर। इसको कॉपी कर लो और यहाँ से ऊपर का सेंटर पकड़ के यहाँ रख दो। ये हमारा हैंडल आ गया ऊपर वाला, ऐसा ही सेम नीचे हैंडल आएगा, इसको कॉपी कर दो सी ओ एंटर, और ये रेफरेंस पॉइंट लेके यहाँ से आप नीचे ले सकते हो। ये नीचे वाला ड्रॉर का हैंडल आ गया, हैंडल आप अपनी तरफ से दिखा सकते हो, आप कैसी पैटर्न बनाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप हैंडल का ड्रॉर ले सकते हो।
जो लाइन अनवांटेड लाइन है उसको आप इस तरह से ट्रिम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक हैंडल आपको चाहिए तो वो सेम इस प्रकार से, क्योंकि माप सही है अपना दोनों, उसको आप कॉपी करके ये रेफरेंस से, अपने ये रेफरेंस से, क्योंकि वो सेंटर सही है, और ये लाइन उसको रिमूव कर दो। और आपको लॉक भी दिखाना है तो यहाँ पे आप लॉक दिखा सकते हो, ड्रॉवर लॉक जो बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे आप एल एंटर सेंटर लाइन पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ सेंटर, और यहाँ से उसका सेंटर लेके सी एंटर सर्कल के लिए, और इस तरह से आप लॉक उसका बता सकते हो। इस तरह से लॉक भी दिखा सकते हो, और सेम लॉक आप ये बीच वाली लाइन पे भी यहाँ पे बता सकते हो। इसको सिलेक्ट कर दो और सी ओ एंटर, यहाँ से सेंटर पकड़ के उसका यहाँ पे बता सकते हो। तो इस प्रकार से दो ड्रॉअर हो गए हमारा, और ये ड्रॉअर यहाँ पे ओपनेबल ड्रॉअर आ गया, और यहाँ वो स्लाइड स्लाइडिंग चैनल जहाँ पे लगेगी वो ड्रॉअर हो गया, ये ओपनेबल शटर हो गया, यहाँ पे सब सेल्फ आ जाएंगे, और यहाँ पे हैंगिंग के लिए हम दे सकते हैं हैंगिंग सारीज और सूट के लिए। तो इसमें ये दो शॉट हम निकाल देंगे, और जॉइन कमांड से ये लाइन ज्वाइन कर दो। यहाँ पे अपना हैंगर आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे अगर आपको रोड बताना है, पाइप बताना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो ऊपर से 4 इंच छोड़ के, ऑफसेट 4 इंच, और ये 1 इंच का पाइप आप पकड़ के चलो, ऑफसेट 1 इंच एंटर टीआर, तो ये आपका पाइप भी आप दिखा सकते हो, पाइप को हैचिंग करके उसको डार्क करवा कर सकते हो, क्योंकि वो अलग दिखे आपको। ये पाइप आ गया अपना, और यहाँ पे भी ये इस तरफ से 3 जो यहाँ पे ड्रॉअर दिखा है वैसे सेम ड्रॉअर अगर दिखाने हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लो पूरा, और उसको मिरर करवा लो इस तरफ से, तो सेम ड्रॉअर आपको इस तरह से मिल सकते हैं। तो नीचे इतने ड्रॉअर हो गए, ये ड्रॉअर हो, ये सेल्फ आ गए अपने, ये सेल्फ आ गए, यहाँ पे बीच में ड्रॉअर और लॉकर भी बन गया, और ड्रॉअर भी। इसमें और भी सेल्फ आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप उसका ड्राइंग बना सकते हो, 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल में ड्रॉअर और कपबोर्ड आपके का ड्राइंग आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।